हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग दशमलव वाली संख्या का सरलीकरण करना सीखेंगे, यानी सिंप्लीफिकेशन करना सीखेंगे डेसिमल नंबर का। हमने यहाँ 5 क्वेश्चन लिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 गुने बड़ा कोष्टक 0.5 प्लस मझोला कोष्टक 100.8 भागे 2 का 0.7 माइनस छोटा ब्रैकेट 3.6 भागे 1.2 गुने 5 छोटा ब्रैकेट मझोला ब्रैकेट और बड़ा कोष्टक से ये बंद है। तो दोस्तों, दशमलव संख्या का सरलीकरण करने का कॉन्सेप्ट देखिए, हम यहाँ भी बोर्ड मास के नियम अनुसार इसे हल करेंगे। बी बी मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक। तो कोष्टक जो है दोस्तों वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला रेखा कोष्टक, दूसरा छोटा कोष्टक, तीसरा मझोला कोष्टक और चौथा बड़ा कोष्टक। अगर क्वेश्चन में कहीं भी इन चारों कोष्टक में से कोई भी कोष्टक दिख जाए तो पहले हम क्रमशः रेखा कोष्टक को, फिर छोटा कोष्टक को, फिर मझोला कोष्टक को और लास्ट में बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। इसी तरह ओ का मतलब होता है दोस्तों का यानी गुना। कोष्टक का काम करने के बाद हम गुणा का काम करेंगे, फिर हम डिवाइड यानी डिवीजन का काम करेंगे, भाग का काम करेंगे, भाग के बाद गुणा के काम करेंगे यानी मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का काम करने के बाद हम ए का काम करेंगे यानी एडिशन जोड़ेंगे, प्लस का काम करेंगे, फिर हम लास्ट में घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। हम यहाँ भी इसी नियम का प्रयोग कर दशमलव संख्या का सरलीकरण करेंगे, तो आप ये नियम पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और का भी है। तो पहले हम किसका काम करेंगे, पहले हम बोर्ड मास के नियम अनुसार कोष्टक का काम करेंगे। बी ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट दिया है ना, तो यहाँ देखिए तीनों ब्रैकेट है, छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो पहले हम किसे हल करेंगे, तो पहले हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे क्योंकि रेखा कोष्टक नहीं दिया है, तो इसके बाद ये आता है, तो छोटा कोष्टक को पहले हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए छोटा कोष्टक में क्या है, इस कोष्टक में भाग का चिन्ह है और गुणा का चिन्ह है, तो चिन्ह में हम पहले किसका काम करेंगे, तो चिन्ह में दोस्तों पहले हम भाग का काम करेंगे, फिर गुणा का, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। तो यहाँ पहले हम भाग का काम करेंगे, तो यहाँ तक इसे हम ऐसे उतार लेते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हम 3.6 में 1.2 से भाग देंगे, तो दशमलव संख्या का भाग देने का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, हम लिखेंगे 3.6 और भाग देंगे कितना से, 1.2 से। तो देखिए इसे भाग देने का कॉन्सेप्ट, हम क्या करेंगे यहाँ से जो दशमलव है इसे हटाएंगे, तो जैसे हम दशमलव हटाएंगे यानी हम अगर ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या है ना, तो 10 नीचे लगाएंगे। यदि हम नीचे से दशमलव हटा रहे हैं तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो हम ऊपर 10 लगा देंगे। ठीक है, तो ऊपर हम हटाएंगे दशमलव तो नीचे 10 लगा देंगे। क्यों 10 लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या, इसीलिए। इसी तरह अगर हम नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या, ये 0 तो हमने बाद में लगाया है, पहले से यहाँ क्या था, एक संख्या है। अब देखिए हमने 0 हटा दिया तो दोस्तों ये क्या हो गया, 360/120, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 12 0 0 कट गया और 36 कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में, 12 3 36। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और ये गुने 5 और ये छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो यहाँ देखिए छोटा कोष्टक में 3 × 5 है, तो अब हम गुना करेंगे। तो यहाँ दोस्तों हम इसे लिख लेते हैं, 8 × 3 = 5 से गुना करेंगे, 3 × 5 = 15, तो हम लिखेंगे यहाँ 15। अब छोटा कोष्ठक हट गया
तो अब हम लिखेंगे मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब दोस्तों हम का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 और 0.7 के बीच का है, तो इसे हम गुना करेंगे। का मतलब क्या होता है कि गुना करना। तो हम 0.7 में कितना से गुना करेंगे, 2 से। तो दोस्तों दशमलव संख्या का गुना करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम दशमलव नहीं मानेंगे, यानी हम यहाँ सिर्फ 7 मानेंगे, ठीक है। तो 7 को 2 से गुना करेंगे 14। अब हम दशमलव लगाएंगे। तो गुना में दशमलव लगाने का कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है ना, ये जो 14 आया है ना, इसमें हम दाहिने ओर से एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 और 4 के बीच हम लगाएंगे दशमलव एक संख्या के बाद। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1.4, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1.4। दो को 0.7 से गुना करने पर दोस्तों क्या होगा, 1.4, और ये -15। अब हम मझोला कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ भाग का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है, तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे फिर हम घटाएंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे उतार लेते हैं, 8 × 0.5 प्लस मझोला कोष्टक। अब हम इसे भाग देंगे। तो भाग देने का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, 100.8, और भाग देंगे हम 1.4 से। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 लिखेंगे, नीचे भी हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या, इसीलिए। तो दोस्तों अब ये हो गया 10,080 और ये हो गया 140। तो हम यहाँ से 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1,008 और ये नीचे हो जाएगा 14। तो 14 से भाग देंगे हम इसे, 14 × 7 = 98। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 × 14 = 98, तो घटाएंगे 2 और ये 8, 28 हो जाएगा। 14 × 2 = 28, यानी 28 आ गया। तो दोस्तों 100.8 में 1.4 से भाग देने पर कितना होगा, 72। तो हम यहाँ लिखेंगे 72 और ये -15। अब इसे भी हम माइनस कर कर यहाँ से मझोला कोष्टक को हटा देंगे। हम यहाँ लिखेंगे 8 × 0.5 प्लस, तो 72 में से 15 माइनस करेंगे तो ये होगा 57। तो यहाँ लिखेंगे 57, तो मझोला कोष्टक हट गया। अब ये बड़ा कोष्टक 8 × अब इसे जोड़कर हम बड़ा कोष्टक हटा देते हैं। तो दोस्तों हम 57 में कितना प्लस करेंगे, 0.5। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये दशमलव वाला संख्या और ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में अगर दशमलव नहीं है तो पहले से रहता है, यानी हम 57 को 0.0 लिख सकते हैं। 0 लगाने पर इसका मान कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तो हम इस तरह दशमलव लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ जोड़ने में आसानी हो, इसीलिए। तो दोस्तों हम यहाँ भी लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव के बाद यहाँ 5 है और यहाँ 0 है। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 5 दशमलव के नीचे दशमलव, 7 + 0 = 7 और ये 5। तो ये हो जाएगा 57.5। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम 57.5। तो ये कोष्टक भी हट गया। अब हम 8 से इसे गुना करेंगे, ठीक है। तो यही गुना कर लेते हैं। तो यहाँ 57.5 है ना, तो इसे हम 8 से गुना करेंगे। तो दशमलव संख्या को गुना करने का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि हम दशमलव को नहीं मानेंगे, यानी हम अभी देखेंगे कि ये 575 है, तो इसमें हम 8 से गुना करेंगे। तो 8 × 5 = 40, 0 हासिल 4, 8 × 7 = 56, 56 और 4 = 60, 60 का 0 हासिल 6, 8 × 5 = 40, और 40 और 6 = 46। तो दोस्तों ये हो गया 4600। अब हम दशमलव लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम देखेंगे कि दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्या है। तो यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ हम दाहिने ओर से एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो लगा लेते हैं 0 के बाद, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो ये 0.0 है ना, इसे हम नहीं लिखेंगे, फिर भी चलेगा। हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 460, ठीक है। तो 460 होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इस प्रकार हम
बोर्ड मास के नियम अनुसार दशमलव वाली संख्या का सरलीकरण करते हैं। दो क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों, 5 गुने बड़ा कोष्टक 3.2 प्लस मझोला कोष्टक 37.8 माइनस 6.5 का छोटा कोष्टक 15.9 भागे 5.3 छोटा कोष्टक मझोला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। तो दोस्तों यहाँ भी हम पहले छोटा कोष्टक को हल करेंगे, फिर हम का काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक हम इसे ऐसे ही उतार लेते हैं। तो दोस्तों हम 15.9 में 5.3 से भाग देंगे, तो दशमलव हटाएंगे, नीचे में 1 जीरो लिखेंगे, नीचे दशमलव हटाएंगे, ऊपर में 1 जीरो लिखेंगे, ठीक है? तो 0 से 0 कट गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 159 बट्टा में ये 53। तो दोस्तों 53 से 159 कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में, ठीक है? 3 हो गया इसे हल करने पर। तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे 3। अब ये कोष्टक भी हट गया, तो यहाँ मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बाकी रह गया, ठीक है? अब हम लिखेंगे 5 गुने बड़ा कोष्टक 3.2 प्लस मझोला कोष्टक 37.8 माइनस। अब हम यहाँ का काम करेंगे, हमने छोटा कोष्टक को हल कर दिया तो 3 आ गया, तो अब हम का काम करेंगे। तो यहाँ देखिए 6.5 का 3 है, तो हम 6.5 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है? हम 6.5 में 3 से गुना करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों कि हम दशमलव नहीं मानेंगे, हम पहले 65 में 3 से गुना करेंगे। तो 5 3 15 का 5 हासिल 1 6 3 18, 18 और 1 19, यानी 19.5 हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 19.5। तो का काम हो गया दोस्तों। अब हम मझोला कोष्टक को हल करेंगे, तो हम यहाँ 37.8 में से 19.5 को माइनस करेंगे, तो ये हट जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ 5 गुने बड़ा कोष्टक 3.2 प्लस हम 37.8 में कितना माइनस करेंगे? 19.5। तो घटा लेते हैं, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 37 में से 19 माइनस करेंगे 18। तो दोस्तों ये हो जाएगा 18.3। तो हम यहाँ लिखेंगे 18.3। मझोला कोष्टक हट गया, अब हम बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। तो हम लिखेंगे 5 गुने, तो यहाँ हम 3.2 प्लस 18.3 को प्लस करेंगे, तो ये हट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 18.3 पहले से है, तो इसमें क्या प्लस करेंगे? 3.2। तो 3 2 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 3 11, 1 हासिल 1 और ये 2 21.5 हो जाएगा, ठीक है? तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ 21.5। अब हम 5 से 21.5 में गुना करेंगे, 21.5 में हम कितना से गुना करेंगे? 5 से। तो गुना करने का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि हम दशमलव नहीं मानेंगे, हम यहाँ 215 में 5 से गुना करेंगे। तो 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 1 5, 5 2 7, 5 2 9 10। तो यहाँ लिखेंगे हम 10। अब दशमलव लगाएंगे तो दाहिने ओर से एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 5 के बाद हम दशमलव लगाएंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 107.5। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों यही होगा 107.5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 0.7 माइनस 4.7 माइनस 0.4 प्लस 2.3 प्लस 1.7 माइनस 2.8 माइनस 2.4। तो यहाँ दोस्तों हमें छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक दिया है, तो पहले हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 जगह छोटा कोष्टक है, तो हम इस दोनों कोष्टक को एक ही बार हल कर देंगे, यानी यहाँ हम प्लस कर कर इस छोटा कोष्टक को हल करेंगे और यहाँ हम माइनस कर कर छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे उतार लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ छोटा कोष्टक को हटाएंगे, तो 2.3 में 1.7 को प्लस करेंगे, तो 7 3 10, 10 का 0 हासिल 1,
दशमलव के नीचे दशमलव, 2 1 3 और 1 हासिल 4। तो दोस्तों यहाँ देखिए 4.0 है, तो हम 0 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, यानी इसे हम नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो दोस्तों ये हो गया 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 माइनस। अब यहाँ देखिए 2.8 माइनस 2.4, तो घटा लेते हैं यहीं से, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी दोस्तों ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, हमने यहाँ डायरेक्ट इसे घटा दिया। अब यहाँ मझोला कोष्टक बाकी रह गया, तो हम इसे भी हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 0.7 माइनस 4.7 माइनस मझोला कोष्टक। यहाँ देखिए प्लस और माइनस, तो पहले दोस्तों हम प्लस करेंगे, ठीक है, यानी हम 4 में 0.4 को प्लस करेंगे। तो प्लस कर लेते हैं, यहाँ नहीं है तो हम अपने तरफ से लगा सकते हैं दशमलव, ठीक है। तो 4.0 के नीचे दशमलव और ये 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4.4 और ये -0.4, मझोला कोष्टक बड़ा कोष्टक। अब दोस्तों हम यहाँ इसे घटाकर मझोला कोष्टक को हटा देंगे, तो हम लिखेंगे 0.7 माइनस 4.7 माइनस। अब यहाँ देखिए 4.4 में से हम 0.4 को माइनस करेंगे, 0.4 माइनस करेंगे, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे 0.7 के नीचे दशमलव, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4। यहाँ दोस्तों डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, 0 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो मझोला कोष्टक हट गया। अब दोस्तों हम 4.7 में से 4 माइनस कर इसे भी हटा देंगे यहाँ से कोष्टक, 0.7 माइनस। अब हम 4.7 में से कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे। दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, तो हम अपने तरफ से 1 दशमलव लगाकर 0 लगाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 10 के नीचे दशमलव, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, तो दोस्तों ये हो जाएगा 0.7। तो अब हम इसे हल करेंगे, यानी 0.7 में से 0.7 माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 0 होगा, ठीक है। तो 0 होगा इसका आंसर।